खुशामदीद नासरीन, मैं आपकी मेजबान नूरीन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज। आज बतारीख 29 दिसंबर 2022 बरोजे जुमेरात को मस्जिद महमूदिया व मदरसा महमूदिया का इफ्तिताह अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब रुकन असम्बली याकूतपुरा के बदस्ते मुबारक से अमल में लाया गया। बामुखाम खलील चौक, नलकी बौली, कोता चेरुबू रोड, टीडी गुट्टा, महबूब नगर। इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, जिले सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी साहब एडवोकेट, जाकिर साहब एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, कौंसलरान सैयद सादतुल्ला हुसैनी, मुश्ताक रशीद, मुजम्मल मुहियुद्दीन, मोहम्मद महबूब ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर नमाज जहर बा जमात अदा की गई। बाद अज़ा मुख्तसर सा जलसा मुनक्किद किया गया। मस्जिद व मदरसा के जिम्मेदारान ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी किए। इस मौके पर मस्जिद महमूदिया व दारुल उलूम मदरसा महमूदिया के जिम्मेदारान मोहम्मद माजिद अली, AEE GHMC हैदराबाद के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर याकूतपुर MLA जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से खिताब करते हुए इस इफ्तिताही तकरीब पर मुबारकबाद पेश करते हुए मदरसे की तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा के जिस भी बस्ती में मस्जिद होती है तमाम बस्ती पर अल्लाह की रहमत का नुजूल होता है। अपनी दुनिया व आखिरत को सुधारने के लिए तमाम बस्ती वालों को मस्जिद और मदरसे से इस्तेफादा करने की गुजारिश की है। ये मस्जिद अब्दुल अली साहब के नाम से तामीर की गई है, जिसे इनकी अहलिया और उनके बच्चों ने तामीर किया। पुलिस के ताउन के साथ इस इफ्तिताही तकरीब को अंजाम दिया गया। मस्जिद महमूदिया के जिम्मेदारान ने तमाम मेहमानों और मीडिया वालों का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद इलियास की HSN न्यूज से ये खुसूसी रिपोर्ट। महमनगर टाउन में नल की बोली कलील चौक के पास एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। अभी जोर की नमाज में नमाज से उसका इफ्तिताह किया गया और मोहतरमा अहलिया अब्दुल अलीम साहब इसकी तामीर कर रहे हैं और उनके शोहर के इसाल साथ के लिए ये छोटी सी मस्जिद तामीर हुई और इसमें मस्जिद मदरसा भी चलाया जाएगा। अल्लाह का नाम लेके इसका इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर मेमनर के मजलिस के तमाम कायदीन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज साहब ये तमाम लोग इसमें शरीक रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, बस्ती वालों को तौफीक दे के इस मस्जिद को आबाद रखे। जिस मस्जिद जिस बस्ती में मस्जिद होती है वो तमाम बस्ती पे अल्लाह की रहमत का नुजूल होता है। तमाम बस्ती वाले इस मस्जिद से इस्तेफादा करें, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नल की बोली खलील चौक पर यह मस्जिद तामीर की गई है अब्दुल अली साहब के नाम से। उनके अहलिया ने इसको तामीर किया, उनके बच्चों ने इसको तामीर किया। यहाँ पर जनाब MLA साहब अहमद पाशा कादरी साहब ने और जनाब इम्तियाज इसाक साहब TRS चेयरमैन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इसकी इसका जो है इनोग्रेशन किया और यहाँ पर जोहर की नमाज भी हुई। यहाँ पर मौजूद थे अब्दुल हादी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MIM, यहाँ पर मौजूद थे सादात काउंसलर फ्लोर लीडर MIM, उनके साथ जाकिर एडवोकेट साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, जहांगीर साहब काउंसलर, महबूब साहब काउंसलर, तमाम काउंसलर यहाँ पर मौजूद थे। उनकी ज़ेर निगरानी में, ज़ेर सदारत में ये मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ खसूस बिलखसूस अब्दुल हादी साहब का और सादात काउंसलर साहब का कि उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किए। पुलिस के इंतजाम भी उन्होंने ही यहाँ पर अमल में लाए। इसके साथ साथ आसिम पाशा साहब जो हैदराबाद से खसूस मेहमान बनकर हमारे लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने हमारे मेहमान खसूसी जनाब अहमद पाशा कादरी साहब का बड़ा ही ख्याल रखा, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर तमाम जितने मौजूद थे उन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मस्जिद की इस इनाग्रेशन में बहुत ज़्यादा ताउन किया। साथ में मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह यहाँ पर आए और हम सब का यहाँ पर बेहतरीन कवरेज किया। और इन सब से आप सब से गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए दुआ फरमाएं, यहाँ के जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं इनके हक़ में दुआ फरमाएं और मरहूमीन के हक़ में दुआ फरमाएं। अल्लाह बिस्मिल्लाह
ये मस्जिद महमूदिया मस्जिद तामीर हुई है, वो हमारे वालदा के नाम से तामीर हुई है, वाली साहब मरहूम के नाम से, और बहुत तकरीबन बहुत एक साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, अल्लाह के फजल से तामीर कम्प्लीट हुई। और हमारे इज्जत माप MLA साहब पाशा खाजी साहब यहाँ पर आए और इश्तराक किए, और हमारे चेयरमैन साहब जनाब इम्तियाज साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब भी यहाँ पर आके इश्तराक किए, और तमाम नमाज का इंतजाम हुआ जोहर की नमाज का, और मस्जिद और मदरसे के मस्जिद भी हैं और मदरसे का भी इस्तेमाल करेंगे दीनी तालीम के तरफ बाजू के अतराफ इकनाफ के तरफ छोटे छोटे तलबा और बड़े हो सके तो गर्ल्स का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा तालीम का इंशाल्लाह। आप अजमन गुजारिश है महल वालों से भी इसमें दाउन करें और मस्जिद को कामयाब करें, मस्जिद और मदरसे को।